नमस्कार, स्टडी मटेरियल्स में आपका स्वागत है। तो आपका आरसी बालिका मध्य विद्यालय नवा डीह डुमरी से यह वैकेंसी है। कुछ इसके साथ साथ एक और वैकेंसी है यहाँ पर, आपका आरसी गर्ल्स मिडिल स्कूल से यह वैकेंसी है। चलिए हम लोग दोनों वैकेंसी को जान लेते हैं, क्या कुछ पोस्ट के लिए निकल करके आपके आए हुए हैं, क्या कुछ आपका सैलरी होने वाले हैं, सब चीज़ हम लोग डिटेल से जानेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आप तक नए नए वैकेंसी के अपडेट्स जो है बिल्कुल फ्री में पहुंचते रहेंगे। तो देखिए, आपका जो आरसी गर्ल्स मिडिल स्कूल जो है, यह आपका आप देख सकते हैं कहाँ पर है। तो आपका यह जो विद्यालय है रजावल पोस्ट रजावल, आपका प्रखंड जो है डुमरी है, जिला गुमला है आपका, यहाँ से यह वैकेंसी निकल करके आपका आई हुई है। और यह जो है 1-6 वाला विद्यालय है, 1-6 की पढ़ाई होती है यहाँ पर। और आपका इसमें जो पोस्ट है, एक पोस्ट के लिए यह वैकेंसी, एक पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और यह जो है केवल शिक्षिका के लिए आरक्षण है, केवल शिक्षिका के लिए ही आरक्षण है यह पोस्ट। अगर आप शिक्षिका हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आवेदन पत्र दिनांक 11/7/2022 3 बजे तक निबंधित डाक द्वारा जो है विद्यालय सचिव पदनाम जो है आमंत्रित किया जाता है। उक्त तिथि के पश्चात आवेदन जो है स्वीकार आपका नहीं किया जाएगा। शिक्षिका के पद में नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता जो है, देखिए यहाँ पर लिखा गया न्यूनतम योग्यता, अधिकतम कुछ भी हो सकता है। न्यूनतम योग्यता जो है इंटर प्रशिक्षित आपका होगा, तथा सरकार द्वारा निर्धारित उम्र सीमा मान्य होगी आपका। शिक्षिकाओं की नियुक्ति सरकार द्वारा निर्धारित वेतन मान पर आपका किया जाएगा। आप देख सकते हैं ग्रेड पे जो है काफ़ी अच्छा जो होने वाला है यहाँ पर, आप देख सकते हैं आपकी मेंशन है आपका सैलरी इसमें जो है। सरकारी विद्यालय में जो आपका सैलरी टीचर का मिलता है वह सैलरी आपका होने वाला है। आप यहाँ पर जो जो प्रक्रिया है चयन का, आप देख सकते हैं हिंदी अंग्रेजी गणित सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में लिखित परीक्षा लिया जाएगा, और उसके प्राप्तांक के आधार पर आपको रखा जाएगा। और यह जो आपका एग्ज़ाम जो होगा वह आपका कब होगा, तो यहाँ पे देखिए आपका 13/7/2022 को होगा। और उस दिन आपको क्या करना है, जो प्रमाण पत्र आप मूल प्रमाण पत्र जो आप डॉक्यूमेंट्स जो आप आवेदन पत्र में संलग्न करके भेजे हैं, तो वह सब क्या है ले करके उस दिन प्रेजेंट आपको होना है। और इसके लिए आपको आत्रा भत्ता दय जो है वह नहीं होगा। इसके साथ साथ यह मैं बताता चलूं कि आपका GEL मध्य विद्यालय से जो वैकेंसी आपका निकल करके आई थी वह जो है आपका विज्ञापन आपका रद्द हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मेंशन किया गया दिनांक 15/6/2022 को प्रभात खबर में प्रकाशित GEL मध्य विद्यालय एल्ला पोस्ट सिकोरदा बानो सिमडेगा में शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसे अपहर्य कारण से क्या है अगले आदेश तक के लिए क्या है रद्द किया जाता है। विज्ञापन संबंधी सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी आपका। चलिए उसके बाद जो दूसरा वैकेंसी है आपका, आप देख सकते हैं आरसी बालिका मध्य विद्यालय नावाड़ी पोस्ट नावाड़ी से यह निकल करके आया हुआ है आपका। यह डुमरी 1 जिला गुमला से आपका है। यह जो विद्यालय है आपका 1-6 विद्यालय है। और यहाँ पर जो पोस्ट निकल करके आई हुई है आपका, 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर है, प्रशिक्षित तथा एक जो है अंग्रेजी भाषा में स्नातक प्रशिक्षित, जिसमें BA प्रशिक्षित की आवश्यकता आपका है। तो यहाँ पर 3 पद है आपका, 3 पद है यहाँ पे निकल करके आई हुई, आप देख सकते हैं आपका 1-6 तक संचालित है यह विद्यालय। इसमें सेवा निवृत्त के फलस्वरूप सरकार द्वारा स्वीकृत पद के विरुद्ध में नियुक्ति हेतु 3 IA प्रशिक्षित, 3 जो होगा IA प्रशिक्षित होगा, इंटर प्रशिक्षित होगा, और एक जो होगा अंग्रेजी भाषा, एक जो होगा वह क्या होगा अंग्रेजी भाषा में स्नातक प्रशिक्षित के लिए पोस्ट है। अर्थात टोटल पोस्ट का बात किया जाए तो 4 पोस्ट यहाँ पे है, 4 पोस्ट। शिक्षिकाओं की आवश्यकता है, शिक्षिकाओं, शिक्षक नहीं अप्लाई कर सकते, केवल शिक्षिकाएँ हैं। शिक्षक नियुक्ति हेतु इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थी जो है विज्ञापन तिथि से दिनांक आपका 25/6/2022 10 बजे मध्य जो
मध्यान्ह तक आवेदन फॉर्म विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। 25 तक आप इसके लिए फॉर्म जो है विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। अर्हताधारी प्रशिक्षित अभ्यर्थी से आवेदन पत्र जो है 30/6/2022 अपराह्न 3 बजे तक निबंधित डाक द्वारा विद्यालय सचिव के नाम आमंत्रित किए जाते हैं। नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा निर्धारित वेतन मान जो है आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप देख सकते हैं आपका इस पर यह लेवल पर आपका चयन किया जाएगा। उम्र सीमा, परीक्षा का स्वरूप एवं अन्याय जो अन्यान्य जानकारी जो है आपका आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध होगी, जो कि विज्ञापन का अंग होगा आपका। तो काफ़ी अच्छा है यह वैकेंसी। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ओके, थैंक यू। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।